गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षा विद्या शाखा, उत्तर प्रदेश राज टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज से। आज हम लोग बीएड पाठ्यक्रम के अंतर्गत बीएड E03 पेपर में यूनिट फोर्थ का अध्ययन करेंगे, जिसका टाइटल है क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। जब हम शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण की बात करते हैं तो लर्निंग आउटकम की भी बात करनी होगी कि इस यूनिट को पढ़ने के बाद कौन कौन से आउटकम हमको प्राप्त होंगे। जैसे शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों है, ब्लूम के द्वारा जो भी शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया, जो कि टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के नाम से जानी जाती है, उसको हम वर्गीकृत कर सकेंगे। और उसके अंतर्गत जो ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य हैं, जो भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य हैं और जो क्रियात्मक क्षेत्र के उद्देश्य हैं, उन सभी उद्देश्यों को भी हम वर्गीकृत कर सकने योग्य हो सकेंगे। तो हम लोग इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स की बात होती है, उद्देश्यों के वर्गीकरण की, तो कई आधार हैं उद्देश्यों को बांटने के लिए। लेकिन आप लोग चूंकि बीएड कोर्स कर रहे हैं, आप लोग लेसन प्लान भी बनाएंगे, तो वहाँ भी ऑब्जेक्टिव्स आप देखेंगे, वहाँ पर विभाजन दो प्रकार का होगा, एक सामान्य उद्देश्य और एक विशिष्ट उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य क्या है, शैक्षिक उद्देश्य क्या है और विशिष्ट शैक्षिक उद्देश्य क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। सामान्य उद्देश्य वो है जो कि एक लंबे समय अंतराल के बाद ही प्राप्त होते हैं और वो सामान्य प्रकृति की होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि किसी भी विषय को पढ़ने के बाद उसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे, एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण हो सकता है या लोकतांत्रिक जो गुण हैं उनका विकास हो सकता है, लेकिन ये एक दिन में अचीव नहीं होते हैं। ये शिक्षा जगत से जुड़े सभी जो भी स्टेक होल्डर हैं, चाहे वो शिक्षक हों, छात्र हों या अभिभावक हों या इसके अलावा जो नीति निर्माता हैं, उन सभी के सामूहिक प्रयास से ही सामान्य उद्देश्यों की प्राप्ति संभव होती है। जबकि जो विशिष्ट उद्देश्य हैं, विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति शिक्षण कार्य, जो भी एक जैसे आज एक क्लास है तो इस क्लास के बाद इस शिक्षण के उपरांत ही वो जो भी उद्देश्य हैं वो फुलफिल हो जाते हैं, ऐसे उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य हैं। जैसे ब्लूम की टैक्सोनॉमी जानना, तो आप ब्लूम की टैक्सोनॉमी को जान सकेंगे, ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को जान सकेंगे, ये विशिष्ट उद्देश्य हैं। लेकिन इसके अंतर्गत आप शैक्षिक उद्देश्य जो होते क्या है, इनका निर्माण क्या होगा और इनके अल्टीमेट इनका उद्देश्य क्या है, जिससे कि एक सुयोग्य नागरिक का निर्माण किया जा सके, एक मनुष्य को संसाधन के रूप में विकसित किया जा सके, राष्ट्र का विकास हो सके जिससे, तो ये सामान्य प्रकृति के होंगे। आशा है कि सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य समझ में आ गए होंगे कि सामान्य उद्देश्य एक लंबे समय अंतराल के बाद या वर्षों के बाद, और जो भी आप कक्षा एक से लेकर वर्तमान में आप बीएड कर रहे हैं या आगे कोई डिग्री हासिल करेंगे, उन सभी जितना भी आपने क्लासेस की हैं या आपने समाज से सीखा है या आपने अपने अभिभावक से सीखा है, उन सभी से मिलाकर आप में जो विकसित होगा वो सामान्य उद्देश्य होंगे। और विशिष्ट उद्देश्य क्या है, आज की क्लास में या किसी भी एक स्पेसिफिक क्लास के अंतर्गत आपने जो सीखा है वो विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। आगे शिक्षा एक अनुदेशात्मक उद्देश्य होते हैं, क्योंकि ब्लूम की टैक्सोनॉमी पढ़ने से पहले हमें अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या होते हैं उनको जानना आवश्यक है। क्यों, क्योंकि ब्लूम की टैक्सोनॉमी जो है वो शैक्षिक उद्देश्यों का जो वर्गीकरण है वो व्यवहारिक रूप में हुआ है, तो अनुदेशात्मक उद्देश्य या व्यवहारिक उद्देश्य क्या होते हैं, हम इस पर एक छोटी सी नज़र डाल लेते हैं। अनुदेशात्मक उद्देश्य की अगर बात करें तो शिक्षा
क्या है, शिक्षा के द्वारा क्या होता है, किस लिए शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो अल्टीमेट यही होता है कि शिक्षा प्रदान करने का जो उद्देश्य होता है उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि आपके व्यवहार में या शिक्षार्थियों के व्यवहार में, व्यक्ति के व्यवहार में परिमार्जन किया जा सके, उनमें अच्छाइयाँ इन्वॉल्व की जाए और जो कमियाँ हैं उनको दूर किया जा सके और कुछ सकारात्मक चीज़ें सिखाई जा सके। तो व्यवहार परिवर्तन के रूप में जब हम उन उद्देश्यों को व्यवहार परिवर्तन के रूप में लिखते हैं तब वही हमारे अनुदेशात्मक उद्देश्य या व्यवहारिक उद्देश्य कहलाते हैं। ऐसे उद्देश्य जिनसे व्यवहार परिवर्तन सीधे डायरेक्ट रूप से संबंधित हो, ऐसे उद्देश्य अनुदेशात्मक उद्देश्य या व्यवहारिक उद्देश्य कहलाते हैं। इन उद्देश्यों में किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, तो सबसे पहले जो छात्र है उसकी आवश्यकता क्या है और छात्रों की आवश्यकता के साथ साथ उनकी योग्यता क्या है, इनको ध्यान में रखकर अनुदेशात्मक या व्यवहारिक उद्देश्य बनाए जाते हैं। जब तक छात्रों की आवश्यकता नहीं पता होगी, छात्रों की योग्यता नहीं पता होगी, तब तक ऐसे उद्देश्य नहीं बन सकते। इसके साथ ही साथ जो समाज है, समाज की क्या आवश्यकता है और उस समाज की क्या आपसे अपेक्षा है या शिक्षार्थियों से क्या अपेक्षा है, इनका भी ख्याल रखते हैं। इसके अलावा जो विषय वस्तु है, जो टॉपिक है, जो प्रकरण है, उसे जिसका अध्ययन करना है, उसकी प्रकृति क्या है, इन सभी चीजों को ध्यान में रखकर अनुदेशात्मक उद्देश्य या व्यवहारिक उद्देश्यों का निर्माण किया जाता है। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें कि सर्वप्रथम व्यवहारिक उद्देश्य या अनुदेशात्मक उद्देश्यों को लिखने का प्रयास किसने किया, तो हम पाएंगे कि जो शिक्षा के व्यवहारिक उद्देश्य हैं उनको सर्वप्रथम लिखने का प्रयास बेंजामिन एस ब्लूम ने किया था। कब? ये 1960 के दशक में, 1956-1956 में उन्होंने शिक्षा के उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने का कार्य किया और उनकी एक पुस्तक है जिसमें इन उद्देश्यों का वर्णन है, टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव फर्स्ट हैंडबुक कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो बेंजामिन एस ब्लूम ने 1956 में ज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोचालक क्षेत्र, जिनमें व्यक्ति में विकास होता है, वो तीन क्षेत्रों में होता है। ज्ञानात्मक क्षेत्र जो कि बौद्धिक क्षमता से जुड़े होते हैं, भावात्मक क्षेत्र जो कि रुचि अभिरुचि आदि से जुड़े होते हैं, और मनोचालक क्षेत्र जो हम शारीरिक या गामक क्रियाएँ करते हैं उनसे संबंधित होता है। और इन्हीं हमारे जो तीन क्षेत्र हैं, कि कोई भी शिक्षार्थी हो तो उनमें जो उद्देश्य बनाए जाते हैं इन तीन क्षेत्रों के विकास को ध्यान में रखकर, उन्हें ही ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य और क्रियात्मक क्षेत्र के उद्देश्य के अंतर्गत शामिल करते हैं। बेंजामिन एस ब्लूम ने जो विस्तृत वर्णन किया अपनी इस पुस्तक में 1956 में, वो ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का विस्तृत वर्णन किया। तो ब्लूम एवं उनके सहयोगियों ने ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को बताया, कॉग्निटिव डोमेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉग्निटिव डोमेन के बारे में उन्होंने बात की। तो ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य के अंतर्गत कैसे उद्देश्य आते हैं, जिससे व्यक्ति के बौद्धिक क्षमता या याद करने की क्षमता, जो मेमोरी लेवल की चीजें हैं, उन पर उन्होंने बात की। जैसे उदाहरण के लिए गांधी जी का जन्म कब हुआ, ये ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य के अंतर्गत आता है। क्यों? क्योंकि आपकी मेमोरी में ये स्टोरेज होता है कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1969 को हुआ। तो जब व्यक्ति की बौद्धिक क्षमताओं या योग्यताओं, इनकी स्मृति या पहचान के रूप में कोई व्यक्ति कार्य करता है या उनके अंदर सूचनाएं समाहित होती हैं, तब व्यक्ति का ज्ञानात्मक विकास होता है उनके अंदर। इसके अलावा अगर क्रियात्मक या भावात्मक की बात करें, भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत कोई जो विषय वस्तु है उसको पढ़कर, उसको समझकर, उसके प्रति
एक दृष्टिकोण बनता है व्यक्ति में, या व्यक्ति में रुचि उत्पन्न होती है, तो व्यक्ति की रुचियां, व्यक्ति का दृष्टिकोण, व्यक्ति का व्यक्तित्व, ये सभी भावात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके व्यक्ति के संवेग, इसके अलावा जो क्रियात्मक क्षेत्र है उसके अंतर्गत जैसे साइकिल चलाना, टाइपिंग सीखना, नृत्य करना, ये सभी जब चीज़ों का विकास होता है तो वो क्रियात्मक क्षेत्र या साइकोमोटर डोमेन के अंतर्गत आता है। ज्ञानात्मक क्षेत्र का वर्गीकरण आप सभी जानते हैं, बेंजामिन एस ब्लूम तथा उनके सहयोगियों ने किया, जिसमें मुख्य रूप से बेंजामिन एस ब्लूम की भूमिका रही, जो कि 1956 में किया। भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया वो क्रथवाल, ब्लूम और मसिया ने 1964 में किया, 1964 में। और जो साइकोमोटर डोमेन के ऑब्जेक्टिव हैं या क्रियात्मक क्षेत्र के उद्देश्य हैं, उनका वर्गीकरण सिंपसन ने 1966 में किया। अब ये ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य या क्रियात्मक क्षेत्र के उद्देश्य ऐसा नहीं है कि किसी शिक्षार्थी में या किसी व्यक्ति में अलग अलग होते हैं, वो बिल्कुल से अलग हैं। देखिए, वो अलग नहीं है, लेकिन वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं। वो जब व्यक्ति या बालक सीखता है तो हो सकता है उस सीखने के दौरान उसका ज्ञानात्मक क्षेत्र का भी विकास, भावात्मक क्षेत्र का भी विकास और क्रियात्मक क्षेत्र का विकास साथ साथ भी हो सकता है या एक दूसरे पर निर्भर भी हो सकता है। अब हम लोग सबसे पहले ज्ञानात्मक क्षेत्र के जो उद्देश्य हैं उसके अंतर्गत कितने विभाजन हैं, कितने चरण हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों के अंतर्गत टोटल 6 अवस्थाओं को रखा गया है। सबसे सरल स्थल है, जो स्तर है वो है नॉलेज या ज्ञान। तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो ज्ञान जो है वो सबसे सरल स्तर या पहला स्तर है, जबकि मूल्यांकन जो है वो सबसे उच्च स्तर का शैक्षिक उद्देश्य है। तो जब कोई व्यक्ति का ज्ञानात्मक विकास होता है तो इन्हीं चरणों से होकर संपन्न होता है। ऐसा नहीं है कि पहला स्टेप जंप करके वो सीधे छठवें पर आ जाएगा, ये स्टेप टू स्टेप ही इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जैसे उदाहरण के लिए, ज्ञान में दो चीजें आती हैं, एक रिकॉल और एक रिकग्निशन। रिकॉल मीन्स पुनः स्मरण और रिकॉग्निशन मतलब पहचान। तो व्यक्ति जो सीख रहा है या उसके सामने जो पढ़ाया जा रहा है, पहले वो उनको याददाश्त में लाता है, अपनी मेमोरी में लाता है, और उस याददाश्त को यदि 1 महीने बाद, 15 दिन बाद, 10 दिन बाद फिर से उसके सामने आए तो वो चीज़ें याद आ जाए कि उस दिन क्या बताया गया था या वो सूचना क्या थी, और ताकि वो उनको याद कर सके, पहचान कर सके और आगे उनका प्रयोग कर सके। तो ज्ञान अंदर में हम सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और उन सूचनाओं को हम जब समझते हैं, जैसे कोई भी टॉपिक है उसके बारे में आपने जो फैक्ट है उनको जाना और उस फैक्ट के आधार पर आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, समझते हैं, तब वह दूसरे स्तर पर आपका ज्ञान आता है, जिसमें अब जो सूचनाएं आपने सुनी या ग्रहण की उनका यदि समझे नहीं है तो उनका ना ही अनुवाद कर सकते हैं, ना ही उनकी व्याख्या कर सकते हैं, ना ही उनका विस्तारण कर सकते हैं, एलेबोरेशन कर सकते हैं। तो जब कोई सूचना आप नॉलेज स्तर पर, रिकॉल और रिकॉग्निशन स्तर पूरा होगा, तब अंडरस्टैंडिंग लेवल आएगा, और अंडरस्टैंडिंग लेवल पर उस ग्रहण की गई सूचना को या ज्ञान को हम अपने से समझकर अनुवाद कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं या उसका विस्तारण कर सकते हैं। इसके बाद अगला जो स्टेप आता है वो आता है अनुप्रयोग। जो भी हमने प्रथम स्तर पर सूचनाओं को जाना और सेकेंड स्तर पर समझा, उनके आधार पर हम अपने वास्तविक जीवन में प्रयोग भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने सूचनाओं को या ज्ञान को
ग्रहण कर लिया, समझ लिया, लेकिन प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं या कोई समस्या आती है जिसमें सीखे गए ज्ञान को समझे गए ज्ञान के आधार पर हम उन समस्याओं का प्रयोग उन सीखे गए ज्ञान का प्रयोग करते हुए समस्याओं का समाधान करने की स्थिति में होते हैं, तो वो अनुप्रयोग होता है, उसका हम यूज करते हैं। उसके बाद बारी आती है विश्लेषण की, एनालिसिस की। जो हमने सूचनाएं प्राप्त की हैं, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है, जो समझा है, जो प्रयोग किया है, उसका हम विश्लेषण करते हैं। और विश्लेषण किन किन चीज़ों का करते हैं? जो तत्व हमने सीखे समझे प्रयोग किए हैं उन तत्वों का विश्लेषण करना, और उन सभी तत्वों में आपस में कोई कोरिलेशन है कि नहीं, कोई संबंध है कि नहीं, तो संबंधों का विश्लेषण करना, और ऑर्गेनाइजेशनल प्रिंसिपल्स जो है उनका विश्लेषण करना कि जो हमारे सिद्धांत हैं जिनको हमने अपने अंदर समाहित किया है उनका विश्लेषण करने की कौन कौन से तत्व हैं। जैसे हम एक जब कंप्यूटर बनाना अगर हम सीखते हैं तो कंप्यूटर के पार्ट्स को, हर पार्ट्स को बाहर कर देते हैं, तो अगर एनालिसिस, ये एनालिसिस क्या है कि जो छोटे छोटे तत्व हैं, सूक्ष्म तत्व हैं, उन सभी को कि इनके अंदर कौन कौन से तत्व हैं, क्या रिलेशन है और कैसे ये व्यवस्थित होंगे, उन सभी को सूक्ष्म रूप से हम सीखते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स को अलग कर देते हैं और कौन सा तत्व कहाँ लगेगा फिर उनको हम असेंबल कर देते हैं। तो इसी तरह जो सूचनाएं होती हैं, जो ज्ञान होते हैं, बहुत सा ज्ञान ग्रहण करते हैं, उन ज्ञान में क्या संबंध है, उसके तत्व कौन कौन से हैं, उनके बीच कैसा संबंध है, ये सब देखने का प्रयास करते हैं। और अगला स्तर संश्लेषण स्तर है, फिर उन समस्त जो सूचनाएं प्राप्त की हैं, जिनका हमने विश्लेषण किया है, उनको आपस में मिलाकर कुछ नई चीज बनाते हैं, कोई नई परिभाषा डेवलप करते हैं, या कोई नए ज्ञान का सृजन करते हैं, या पुरानी चीजों को एक नए तरीके से प्रस्तुत करते हैं जिससे कि कुछ विकसित हो सके या कोई नया कॉन्सेप्ट हमारे अंदर डेवलप हो सके। और जो लास्ट सिक्स स्टेज का ऑब्जेक्टिव्स है वो है इवैल्यूएशन, मूल्यांकन, और उसके आधार पर फिर हम मूल्यांकन करते हैं कि कौन सा उचित है, कौन सा हमारे समाज के लिए उचित है, अनुचित है, क्या हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, क्या नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है। और जैसे मार्केट में 10 किताब पढ़िए तो हो सकता है सूचनाओं में कुछ विसंगति हो, कभी कभी आप फैक्ट में देखते होंगे किसी बुक में कुछ लिखा हुआ है, किसी बुक में कुछ लिखा हुआ है, और फिर बाद में हम इवैल्यूएशन करते हैं कि रियलिटी क्या है, कौन सी रेफरेंस बुक है, और उस आधार पर हम मूल्यांकन करते हैं कि नहीं कौन सा फैक्ट एग्जैक्ट फैक्ट है। तो इसी तरह जो नॉलेज है वो इन 6 स्टेप से होकर गुजरता है और फिर व्यक्ति के अंदर स्थायी रूप से आ जाता है। इसके अलावा ज्ञानात्मक क्षेत्र के अलावा भावात्मक क्षेत्र के उद्देश्य, अफेक्टिव डोमेन के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसकी, तो इसमें कुल 5 चरण होते हैं। जब हमारे भावात्मक क्षेत्र का विकास होता है तो इन 5 चरणों से संपन्न होता है। ये 5 चरण हैं, रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूइंग, ऑर्गेनाइजेशन और करेक्टराइजेशन। सबसे पहले हम किसी चीज को ग्रहण करने के प्रति जागरूक होते हैं, या उसको प्राप्त करने की हमारे अंदर इच्छा होती है, या हम सभी तथ्यों को, सभी सूचनाओं को, सभी जो हमारे स्टिमुलस हैं उन सभी के प्रति, ऐसा नहीं कि हम आकर्षित हो जाते हैं, कुछ कंट्रोल या सेलेक्टेड स्टिमुलस ही होते हैं जिनके प्रति हम आकर्षित होते हैं, और फिर जिनके प्रति हम आकर्षित होते हैं या जिन स्टिमुलस के प्रति, जिन सूचनाओं के प्रति, जिन ज्ञान के प्रति हम आकर्षित होते हैं या अवेयर होते हैं या ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं, उन स्टिमुलस के प्रति, ज्ञान के प्रति हम फिर रिस्पॉन्स करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं। तो अब उस प्रतिक्रिया जो देना है उस प्रतिक्रिया के प्रति सहमति भी दे सकते हैं। जब किसी ज्ञान को या स्टिमुलस को हम रिसीव करने की इच्छा रखते हैं या उस स्टिमुलस के प्रति जागरूक होते हैं और या आकर्षित होते हैं, तब हम उस स्टिमुलस या ज्ञान के प्रति प्रतिक्रिया देते हैं, रिस्पांस करते हैं, और उस रिस्पांस में हम रिस्पांस देने के लिए सहमति देते हैं या रिस्पांस देने की इच्छा व्यक्त करते हैं या
हम जो रिस्पांस देते हैं उस रिस्पांस देने में ही हम सेटिस्फाई होते हैं, तब हम जो हमारे अंदर मूल्य डेवलप होते हैं। तो जो मूल्य डेवलप होते हैं उन मूल्यों को पहले हम स्वीकृत देते हैं कि इस मूल्य को हम ग्रहण करेंगे या इस मूल्य को ग्रहण नहीं करेंगे। तो जब सहमति देते हैं तो इसका मतलब हम इस मूल्य को ग्रहण करेंगे और उन मूल्यों पर फिर हम कमिटमेंट होते हैं, वचनबद्ध होते हैं, जिससे कि हमारे अंदर विभिन्न सूचनाओं को लेकर या विभिन्न स्टिमुलस को लेकर, विभिन्न लोगों को लेकर एक दृष्टिकोण विकसित होता है या मूल्य डेवलप होते हैं और फिर हम उन मूल्यों का आगे अपने जीवन में अनुसरण भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे मूल्य डेवलप होते हैं, फिर उन मूल्यों को अपने अंदर ऑर्गेनाइज्ड करते हैं, वेल ऑर्गेनाइज्ड करते हैं कि नहीं, इन मूल्यों में ये संबंध है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, इस मूल्य को हम पहले स्थान पर रखेंगे और इस मूल्य को हम द्वितीय स्थान पर रखेंगे। जैसे एक अगर हम व्यक्तिगत जीवन की बात करें और दूसरा सामाजिक जीवन की बात करें, तो हमें व्यक्तिगतता पहले देखनी है या सामाजिकता पहले देखनी है। जैसे कहीं फंक्शन में आप जा रहे हैं और आप थक चुके हैं, आप बैठना चाहते हैं, लेकिन आपसे बड़ा व्यक्ति कोई आ गया, तो अब सामाजिक जो मूल्य है आपके अंदर जो डेवलप हुए हैं, बड़ों का सम्मान करना, तो जो आपके बैठने की इच्छा थी उसको त्याग कर आपने जो सामाजिक मूल्य है बड़ों का आदर करना, तो उस बड़े व्यक्ति को या आपसे जो उम्र में बड़े हैं उनको बैठने के लिए आप चेयर ऑफर करते हैं, कुर्सी ऑफर करते हैं। तो इस तरह से हमारे अंदर बहुत सारे मूल्य डेवलप होते हैं, तो हमें किस क्रम में या उन मूल्यों में क्या संबंध है, किन मूल्यों को ज़्यादा प्राथमिकता देनी है, किन को कम देनी है, उन सभी का एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे अंदर डेवलप होता है। और जब इस तरह से हमारे अंदर मूल्य विकसित हो जाते हैं तो ये मूल्यों को दिखाने के लिए हमें अपने अंदर से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, बल्कि ऐसे मूल्य स्वतः परिलक्षित होने लगते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमसे उम्र में बड़ा व्यक्ति कोई कुछ बोल रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम सोच कर उसका सम्मान करेंगे, हमारे आदत में ये आ चुका है, हमारे स्वभाव में आ चुका है, हमारे अंदर इसका सामान्यीकरण हो चुका है कि हम उनका आदर करेंगे, उनसे नमस्ते करेंगे, हमारे घर पर कोई आता है तो उनका सम्मान करेंगे, इस तरह से होता है। इसके अलावा हम जो साइकोमोटर डोमेन के ऑब्जेक्टिव हैं उनकी बात करें कि जो मनोचालक क्षेत्र के उद्देश्य हैं वो भी 5 स्टेज से होकर गुजरते हैं, कि जब हमारे अंदर कोई क्रियात्मक विकास होता है या गामक विकास होता है या किसी स्किल या कौशल का विकास होता है तो 5 चरणों से गुजरता है। सबसे पहले हम जो भी गामक क्रिया कर रहे हैं, कोई कौशल का को विकास अपने अंदर करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले उस परिस्थिति को या उस क्रिया को देखते हैं, उसका परसेप्शन करते हैं, और जब परसेप्शन करते हैं तो फिर अपने अंदर एक मनोस्थिति डेवलप करते हैं। कैसी मनोस्थिति? शारीरिक रूप से उस क्रिया को करने के लिए हम तैयार होते हैं, मानसिक रूप से तैयार होते हैं, संवेदनात्मक रूप से तैयार होते हैं कि हम इस क्रिया को करेंगे, और फिर उस क्रिया को करने के लिए जो हमारे कोई ट्रेनर होते हैं या सिखाने वाले होते हैं, पहले उनके निर्देशन में हम करते हैं, निर्देशित प्रक्रिया करते हैं कि कोई व्यक्ति कि कैसे आपको कोई कार्य करना है, हम उसको सीखते हैं किसी के निर्देशन में। और जब हम किसी के निर्देशन में सीख लेते हैं तो फिर हमारे अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है कि हम ये कार्य अब कर लेंगे, हम किसी कार्य को कर सकने योग्य हो जाते हैं और उस कार्य को करने लगते हैं, तो कार्य कौशल या मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है हमारे अंदर। उसके बाद जटिल बाह्य व्यवहार, कॉम्प्लेक्स ओवर बिहेवियर, क्या है कि जब हमारे अंदर कोई मैकेनिज्म, कोई कार्य कौशल विकसित हो गया कि अब इस कार्य को कर लेंगे, फिर हम उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से स्मूथली करने लगते हैं, उसमें हमारी एक्स्ट्रा जो इफर्ट्स हैं वो लगाने की जरूरत नहीं, स्वभावतः हुआ हम कुछ अलग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक उदाहरण के माध्यम से इसे अच्छे से समझा जा सकता है। जैसे अगर आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि साइकिल में पैडल कहाँ है,
ब्रेक कैसे लगती है, कैसे साइकिल पर चढ़ते हैं, कैसे उतरते हैं, है ना। तो सब चीज़ों को पहले हम परसेप्शन करते हैं, देखते हैं, और जब परसेप्शन कर लेते हैं तो फिर हमारा जो शरीर है वो तैयार होता है साइकिल चलाने के लिए, हमारा जो मानसिक स्थिति है वो तैयार होती है, हमारा जो संवेगात्मक स्थिति है वो तैयार होती है कि नहीं अब हमें साइकिल चलाना है। जब हम शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप से साइकिल चलाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब कोई ऐसा नहीं है कि बचपन में आप साइकिल लिए और चलाना शुरू कर दिए। आपके जो बड़े हैं, चाहे बड़े भाई बहन हो या माता पिता हो, पहले क्या करते हैं, सबसे पहले वो पीछे से एक लोग पकड़ लेंगे, आपको कहेंगे आप साइकिल पे बैठ जाइए, ऐसे पैडल मारिए, और वो आपको पीछे साइकिल पकड़े रहेंगे और आप धीरे धीरे चलाना शुरू करते हैं। फिर क्या है, थोड़ा छोड़ दिए, फिर जहाँ देखें कि आप फंस रहे हैं फिर पकड़ लिए। तो इस तरह से फिर धीरे धीरे एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें आपके किसी निर्देशन की जरूरत नहीं है, फिर आप स्कूल से गए, साइकिल उठाए, निकाले, चलाना शुरू कर दिए, मतलब आपके अंदर कार्य कौशल आ गया साइकिल चलाने का। लेकिन जटिल व्यवहार क्या है कि आप में ऐसा साइकिल चलाने का कार्य कौशल आया कि आप अब हैंडल छोड़ के चला रहे हैं, तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट बिहेवियर, मतलब साइकिल में आप इतना निपुण हो गए हैं कि अब आप हैंडल बगैर पकड़े भी साइकिल चला रहे हैं। बहुत लोगों को देखते होंगे बाइक चलाते हुए वक्त स्टंट करने लगते हैं, तो जब स्टंट करने की स्थिति में आ जाते हैं तो इसका मतलब सिर्फ मैकेनिज्म उनके अंदर नहीं आया बल्कि कॉम्प्लेक्स ओवर्ट बिहेवियर भी आ गया है। खैर, स्टंट नहीं करना चाहिए किसी को भी, लेकिन अब एक उदाहरण और देते हैं जिसमें माध्यम से ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या आता है मनोचालक क्षेत्र के उद्देश्य के अंतर्गत। जैसे डांस करना सीखना, मतलब डांस करना ये मनोचालक क्षेत्र के उद्देश्य के अंतर्गत आता है कि जब हम डांस करना सीख लेते हैं तो कैसा उद्देश्य है, मनोचालक क्षेत्र का। टाइपिंग करना हम सीखते हैं, कंप्यूटर टाइपिंग, शॉर्ट हैंड टाइपिंग, वो मनोचालक क्षेत्र के उद्देश्य के अंतर्गत आता है क्योंकि उसमें जो हमारी उंगलियां हैं वो क्या करती हैं, गति करती हैं, वर्क करती हैं। इसके अलावा अगर आप दौड़ लगाना सीख रहे हैं, जिमनास्टिक बनना चाह रहे हैं, है ना, या आप साइकिल, कार ये चलाना सीख रहे हैं, ये सभी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो मनोचालक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे। धन्यवाद।